हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न निजी चैनल। आज हम DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी 2022 के राष्ट्र गौरव के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। पेपर का पूरा नाम है राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन, जो 2022 का पेपर है। यह पेपर 24 अप्रैल 2022 को हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से राष्ट्र शब्द का बोध होता है। ऑप्शन बी दीप्ति का। कठोपनिषद का संबंध है ऑप्शन ए कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से। क्वेश्चन नंबर 3 है, गायंती देवा किल गीतान गीत कहानी धन्यस्ते भारत भूम भागे, यह प्रशस्ति संबंधित है। ऑप्शन डी विष्णु पुराण से। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद ग्रंथों को कहा जाता है वेदांत। निम्नलिखित में वेद का भाग नहीं है। ऑप्शन बी छत्रप। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का बोध वाक्य है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चातुर्वर्ण मया तुष्ट गुण कर्म विभागशः, गीता में यह कथन है कृष्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष धास से व्युत्पन्न कृष्टि का अर्थ है जूते हुए खेत से, यह कथन है सचिदानंद मिश्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र की शक्तियों का विस्तृत वर्णन हुआ है ऋग्वेद में। भारतीय चिंतन में राष्ट्र का अवधारणा है ऑप्शन बी गौरवास्पद। अलवार भक्तों के पद संकलित हैं दिव्य प्रबंधन में। नेक्स्ट, संस्कृत के अंतर्गत नहीं आता है प्रशासन। नेक्स्ट, गोपा शब्द का मूल अर्थ है पशुओं का रक्षक। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है जन की। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है भरत मुनि की। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नाट्य कला है रामलीला। नेक्स्ट, निम्नलिखित महाजनपदों में कौन से महाजनपद में गणतंत्र प्रणाली प्रचलित थी वज्जी। नेक्स्ट, चार वेदों में सम्मिलित नहीं है आयुर्वेद। अजंता संबंधित है चित्रकला से। महाभारत विभक्त था पर्वों में। रामचरितमानस विभक्त है 7 कांडों में। हठ योग के प्रणेता हैं योगीराज गोरखनाथ। प्राचीनतम अभिलेख किस शासक के हैं अशोक के। ऋण सिद्धांत में कौन समाहित नहीं था ऋषि ऋण। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं है तो मृच्छकटिकम। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास। निम्नलिखित में से कौन चिकित्सक नहीं थे तो हरिसेण। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है गौतम बुद्ध ने। महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। रसायन विज्ञान के प्रणेता थे नागार्जुन। चिपको आंदोलन मूल रूप से किससे संबंधित है वन कटाई से। त्रिमूर्ति किसे कहा गया है ब्रह्मा विष्णु शिव। संगीत से संबंधित वेद कौन सा है तो सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार भक्तों का संबंध है तमिल प्रदेश से। भारतीय सर दर्शन में सम्मिलित नहीं है कल्प। चित्रकला का सबसे बड़ा संरक्षक कौन था जहांगीर। महाभारत के खंडों को कहा जाता है पर्व। गीता प्रेस जाना जाता है धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है 5 जून। प्रदूषण रहित ऊर्जा का सही विकल्प है सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा बायोगैस। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मोटर वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला प्रमुख प्रदूषण है कार्बन मोनोऑक्साइड।
किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? यूकोलिप्टस। वायुमंडल की किस परत को सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है? ओजोन मंडल। घेगा या गलकंड रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण का कारण है संलयन। एलपीजी का विस्तृत रूप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का परिवर्तन होता है रासायनिक ऊर्जा में। सीएनजी का विस्तृत रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऊर्जा संकट का समाधान है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है बेंगलुरु में। भोपाल गैस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? मिथाइल आइसोसाइनेट। पर्यावरण प्रयोगशाला स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना समझौता कब हुआ था? 1985 में। फ्लोराइड प्रदूषण आमतौर पर प्रभावित करता है दांत को। कोशिका का पावर हाउस है माइटोकांड्रिया। मशरूम एक प्रकार का फफूंदी है। निम्न में कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? संतरा। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी व सी। ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है यूवी किरणों से। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है CO2। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल हिमालय में। हरित गृह गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड CFC मीथेन तो उपरोक्त सभी। वायु प्रदूषण से होने वाला रोग है अस्थमा फेफड़े का कैंसर ब्रोंकाइटिस तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कृत्रिम पेट्रोलियम बनाया जाता है कोयले से। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है नागपुर में। निम्नलिखित में से कौन गैस किस गैस को प्राणवायु कहते हैं? ऑक्सीजन। मधु में मुख्य पोषक तत्व कौन से होते हैं तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी अर्थात तीनों होते हैं। 71 प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता जिन्हें 2018 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने इराकी यजीदी महिलाओं के अत्याचार को विश्व स्तर पर चर्चा में ला दिया था। नाम है नादिया मुराद। भारतीयों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं तो ऑप्शन सी 6। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 का आंसर मुझे नहीं मिला है, अगर आप लोगों को मिले तो कमेंट में बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस देश में महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान का अधिकार प्रदान किया गया? न्यूजीलैंड। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द लाया गया? 42वां संशोधन। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 से पहले किस नाम से जाना जाता था? मानवाधिकार अधिनियम। 18 वर्ष के नीचे के व्यक्ति के संपूर्ण मानवाधिकार को किस अधिकार के नाम से जाना जाता है? बाल अधिकार। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार का पदेन सदस्य नहीं होता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई नागरिक मौलिक अधिकार के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21 के ए में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी कार्रवाई का प्रकाशन कब करता है? ऑप्शन ए वार्षिक रिपोर्ट में। 87 राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भारत में कब किया गया? 1992 में। मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए यह न्यायालय में वाद योग्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रावधान है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो पहला गलत है, सभी मानवाधिकार सभी के लिए है तो ये चीज़ जो है गलत है 90 का ए।
91 है, मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? समानता के अधिकार में, सामूहिक अधिकारों की धारणा में शामिल नहीं है आत्मनिर्णय के अधिकार। भारत के संविधान के अनुसार आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को छीना नहीं जा सकता है? तो ऑप्शन सी प्राण का अधिकार, अर्थात प्राण का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल के दौरान भी नहीं छीना जा सकता। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार निहित है? भाग 3 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी 10 दिसंबर 1948। कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता? जिला न्यायाधीश। भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत महिला के साथ घरेलू हिंसा पर दंड का प्रावधान है? धारा 498 का क। भारत सरकार ने दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में अवसर की समानता हेतु कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं? 4%। अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि एवं संस्कृत के संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 29 का होगा ऑप्शन डी। 100 मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।